सभी डीएलएड साथियों का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ प्रभात, हैव अ गुड डे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था कि प्लेटो ने नागरिकों को कितने श्रेणियों में बांटा है, जिसमें तीन प्रशिक्षुओं ने सबसे पहले आंसर दिया था, तो चलिए उनका नाम सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं। जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि इनका कमेंट था समीक्षा सिंह का, ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया था बिल्कुल सही। उसके बाद से ऋचा त्रिपाठी ने आंसर किया था तीन श्रेणी, बहुत बढ़िया। उसके बाद से सुप्रिया मौर्य कृति ने आंसर दिया था थ्री टाइप, ठीक है। और भी बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन जो सबसे पहले आंसर दिए उनका हमने आप सभी को, क्योंकि जो पहले आंसर देगा उन्हीं का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो आप भी ये मतलब एफर्ट कीजिएगा कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो चलिए, तो इस तरीके से ये आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा कि प्लेटो ने नागरिकों को कितने श्रेणियों में बांटा है, ठीक है। जिनका नाम लिया वो और जिनका नाम नहीं लिया वो बिल्कुल भी मतलब अपने आप को वो मत समझे, बहुत बढ़िया। बस आप सभी को क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन एक या दो इसलिए देती हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो गया होगा कि प्लेटो ने नागरिकों को कितने श्रेणी में बांटा, तो तीन श्रेणी में बांटा था, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि वर्तमान भारतीय समाज का हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले हमने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे पूरा डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है। तो आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जो जनक है वो वर्कले हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है, तो प्राचीन आदर्शवाद के जो जनक हैं ये जनक है कांट। तो इस तरीके से अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, तो वर्कले, और प्राचीन आदर्शवाद के जो जनक है वो है कांट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है कि वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, तो वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जो जनक है वो है हीगल। उसके बाद से नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है, तो नैतिक आदर्शवाद के जो जनक है वो है प्लेटो। अगला जो प्रश्न है कि किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया, तो किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो ने। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जी हाँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इस प्रश्न के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किस दार्शनिक ने, और देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 10 बजे रात को डेली मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन एक प्रशिक्षु ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप डेली 10 बजे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओनली डिस्कस करती हैं, इसके जगह पर अगर आप जिस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, यानी उनका कहना है कि जिस तरीके से पूरा पेपर पैटर्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी के आधार पर हम सभी को आप प्रोवाइड कीजिए, ताकि उसके आधार पर हम कितने समय में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और ताकि हम लोग का अगर प्रैक्टिस रहेगा कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अति लघु, 7 लघु उत्तरीय, तो इससे हमारा जो प्रैक्टिस होगा बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज़ आप कृपया करके मॉडल पेपर, तो फ्रेंड्स आज से डेली रात 10 बजे आप सभी को हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे, जिसका आंसर तभी भी आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो आप सभी का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छा बना रहे। सो ये टाइम आप शेयर कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि किस दार्शनिक सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो ने। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है, तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा जो सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया गया है वो विचारों को दिया गया है। प्रश्न विधि के जनक कौन है,
जो कि आपने प्रथम सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, प्रश्न विधि के जो जनक हैं वो सुकरात हैं। संवाद विधि के जनक कौन है? तो संवाद विधि के जो जनक है वो है प्लेटो। अगला जो प्रश्न है कि निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? तो निगमन एवं आगमन विधि के जो जनक है वो है अरस्तु। बहुत ज़्यादा ये बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो निर्देशन विधि के जनक जो है वो है हर्बर्ट या हर्बार्ट। तर्क विधि के जनक कौन है? जैसे कि तर्क विधि के जनक जो है वो है हीगल। खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जो जनक है वो है फॉरबेल। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? तो अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक जो है वो है पेस्टोलॉजी। किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? यानी अगर किसी टीचर का बिल्कुल मतलब अच्छा चरित्र है, सही चरित्र है, तो वो किसका प्रतीक है? आध्यात्मिक प्रतीक है। और ये जो दार्शनिक ने स्टेटमेंट दिया है इनका नाम है जेंटिल। जेंटिल महोदय ने कहा है कि अगर किसी भी अध्यापक का सही चरित्र है तो वो किसका प्रतीक है? आध्यात्मिक का। अगला प्रश्न है कि आदर्शवाद शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य जो है वो है आत्म अनुभूति। प्रश्न नंबर अगला है कि आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है? तो प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार जो होता है वो होता है मूल प्रवृत्ति। प्रकृतिवादी ने सीखने के किस विधि को जन्म दिया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? तो ह्यूरिस्टिक विधि को। अगला प्रश्न है कि प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो प्रकृतिवाद ने, अब देखिए ये प्रकृति, पहले हमने जो क्वेश्चन देखा कि वो क्या था, खाली आदर्शवाद से रिलेटेड था, लेकिन ये जो आपका है प्रकृतिवाद, ये जो अब है जो रिलेटेड है प्रकृतिवाद से। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो आवश्यक माना है ज्ञान इंद्रियों को। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? यानी जो प्रकृतिवाद है वो किसके महत्व को अस्वीकार किया है, किसको नहीं माना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा और परमात्मा के महत्व को। और क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रकृति है, मूल प्रवृत्ति है, उन्होंने आत्मा और परमात्मा को महत्व नहीं दिया है। प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? अब यहाँ प्रयोजनवाद से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवादी किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? तो प्रयोजनवादी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ये भी आप देख सकते हो, जो प्रकृतिवाद था वो आत्मा और परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार से जो प्रयोजनवाद है वो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो किस प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी है उसकी उपयोगिता, जो कि मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगा। कसौटी उसको हम, उसी को हम कह सकते हैं जो किसी यूज के लायक हो। तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो वो है उसकी उपयोगिता। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। यानी प्रजातंत्रीय, प्रजा के पास शक्ति, आप कह सकते हो प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रयोजनवाद को ही क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? तो प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा जेम्स। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो होती है समाज का।
परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप जो होना चाहिए व्यवहारिक होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि परियोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? परियोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य जो होता है बालक का समाजीकरण। किस प्रकार से बालक जो है अपने समाज में रह सके, इसका मूल उद्देश्य होता है। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की? तो प्रोजेक्टिव या आपने प्रोजेक्ट प्रणाली का नाम प्रथम सेमेस्टर में सुना भी होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? तो किल पैट्रिक। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश करके दे दिया है कि प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी, तो किल पैट्रिक ने। अनुशासन के चार तत्व किस दर्शन ने बताए हैं? तो अनुशासन के चार तत्व परियोजनवाद ने बताए हैं। ड्यूबे के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। क्योंकि आप सभी को पता है ड्यूबे ने ही बोला था जो शिक्षा है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसके साधन क्या हैं? तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है। ड्यूबे इसे ही सामाजिक वातावरण कहता है। सो क्लियर, क्यों कहता है वो सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना, इस संबंध में ड्यूबे के विचार लिखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करता है। ये अपना जो है शिक्षा का जो उद्देश्य है, इस पे अपना ड्यूबे ने राय दिया था कि वातावरण के साथ अनुकूलन करना, इस संबंध में क्या ड्यूबे ने अपना विचार दिया था। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है अनुकूलन एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करता है या करना होता है। अगला प्रश्न कि फॉरवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो फॉरवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना, और इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फॉरवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति को ऐसा बनाना कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। तो ये फॉरवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य था। अगला जो प्रश्न है कि फॉरवेल ने किंडर गार्डन कब प्रारंभ किया? तो फॉरवेल ने 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया और 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालोद्वान या किंडर गार्डन रखा। वो कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फॉरवेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो फॉरवेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक एक शरीर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को न हमें कुरूप बनाना चाहिए और न ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति के क्रम के अनुसार विकास हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज जितने भी हमने प्रश्न डिस्कस किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको याद करने में उतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है और वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है। ये दो प्रश्न आप सभी के लिए है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को हमने कई बार रिपीट भी किया था जब स्टार्टिंग में आप सभी के साथ शेयर किया था। तो प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है और वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। और जो 3 लकी विनर, यानी आप कह सकते हो विनर तो नहीं, लेकिन जो सबसे पहले नाम आंसर करेंगे उनका नाम कल वीडियो के स्टार्टिंग में लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 10:30 बजे वाली क्लास में।
आप अपना बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।